करण देओल ने डेब्यू से पहले किया ऐसा काम, गदगद धर्मेंद्र ने कहा जीते रहो। सनी देओल के बेटे करण देओल बॉलीवुड में अपनी इनिंग शुरू करने वाले हैं। करण की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास 19 जुलाई को रिलीज हो रही है। पूरा देओल परिवार करण के डेब्यू को लेकर उत्साहित है, खासकर ग्रैंडपा धर्मेंद्र, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई कल्ट फिल्में दी हैं और भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब लगता है कि करण अपने ग्रैंडपा को सिर्फ करियर के मामले में फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी वो धर्मेंद्र से काफी प्रभावित हैं। धर्मेंद्र बेहतरीन एक्टर होने के साथ एक अच्छे शायर भी हैं। अपनी जिंदगी के तजुर्बों को वो अक्सर शेर व शायरी के माध्यम से लिखते और कहते रहते हैं। अब ऐसा ही करण का हुनर भी सामने आया है। महिला दिवस पर करण ने अपनी मॉम को समर्पित करते हुए अंग्रेजी में एक कविता लिखी थी, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। धर्मेंद्र को करण की यह कविता काफी पसंद आई और उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी तारीफ करते हुए लिखा था, बहुत ही भावपूर्ण कविता है। दुआएं दे रही हैं हवाएं, मेहर उसकी लाजिम है। जीते रहो, विनम्र और दयालु बने रहना। करण ने अपनी कविता अपनी मॉम पूजा देओल को समर्पित करते हुए लिखा था कि इस मौके के लिए कुछ लिखा है। इस शख्स के पीछे खड़ी महिला को शुक्रिया कहने के लिए एक छोटी सी कोशिश। करण की डेब्यू फिल्म का नाम पल पल दिल के पास है, जिसे खुद सनी देओल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टाइटल भी धर्मेंद्र की हिट फिल्म ब्लैकमेल के एक बेहद लोकप्रिय गाने से लिया गया है। फर्स्ट लुक 14 फरवरी को रिलीज किया गया था। फिल्म से करण के साथ शहर बांबा भी बॉलीवुड डेब्यू कर रही है।